गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. टूडेज वी डिस्कस द सम बेसिक सॉल्ट्स आर सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स इन विच द फर्स्ट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. द कॉमन नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट विच वी यूज इन आर डेली लाइफ. एंड हाउ sodium chloride is prepared, then sodium chloride is prepared by the help of a sodium hydroxide NaOH. It is prepared by the reaction between solution of sodium hydroxide NaOH plus HCl, then sodium chloride plus water is formed. Clear? Now how we obtained NaCl? NaCl is obtained by the evaporation of a seawater, because seawater contains sodium chloride. Basically seawater kya hota hai, salty hota hai. To salty nature uska kiski wajah se hota hai, because of the presence of salt. To salt ko hum obtain kaise karte hain, by the evaporation of sea water. And the next is the, what is the uses of NaCl? So it is used as a raw material for अदर सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है. सेकेंड, इट इज असेंशियल फॉर लाइफ. मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में, इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस एंड नर्वस सिस्टम में यूज क्या होता है? NaCl. कि ये उनके लिए क्या है? असेंशियल है. और इसके साथ साथ सोडियम क्लोराइड क्या करता है कि इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक. स्टमक में भी ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द सेकेंड वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. द कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा. एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड यानी कि बेराइन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा. देन इट डिकम्पोजेड टू, इट मीन्स when electricity is passed through the aqueous solution of barine. Barine kya hota hai? Sodium chloride ka aqueous solution. Then it convert into a sodium hydroxide plus Cl2. Sodium hydroxide plus Cl2. Chlorine gas plus H2 हाइड्रोजन गैस. कि ये किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनता है? क्लोरीन गैस भी और हाइड्रोजन गैस भी. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी. एंड लिसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग. इट मीन्स यहाँ पे जो बेराइन है, बेराइन सॉल्यूशन का ब्रेकडाउन किससे हुआ? बाय द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी से जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो उसमें क्या होगा कि टू रोड्स लगी होती हैं, एनोड और कैथोड. तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि टू क्लोरीन, ये कहाँ किस में कन्वर्ट हुए? Cl2 में. और यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया. दिस प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये एनोड पे. सिमिलरली कैथोड पे क्या हो रहा है? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे H2 प्लस क्या हो रहा है? OH. ये क्या बन रहा है? कैथोड पे. बिकॉज एनोड पे ऑलवेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन. और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. गाइस ये कंसेप्ट आपका नेक्स्ट हायर क्लासेस में आएगा, और जो आपका नेक्स्ट लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें भी आएगा. तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हम एक सिंपल प्रेपरेशन रिएक्शन को कर सकते हैं. The next is the uses of sodium hydroxide. What are the uses of sodium hydroxide? क्योंकि यहाँ पे इन तीनों का industrial use होता है, sodium hydroxide का, chlorine gas का and hydrogen gas का. So sodium hydroxide is used in the formation of soap, detergent, paper making. पेपर मेकिंग में भी इसका यूज किया जाता है. एंड आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग फाइबर्स, कि अगर हमें आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने हैं तो हम यूज किसका करेंगे? NaOH का. इसी तरह से व्हाट आर द यूजेस ऑफ Cl2.
क्लोरीन का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो वी ऑल नो क्लोरीन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, तो वो चाहे हमारे घरों में वाटर सप्लाई हो या हम आरओ का यूज़ कर रहे हैं या स्विमिंग पूल में है, कहीं भी अगर वाटर ट्रीटमेंट करना है तो हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? क्लोरीन गैस का। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स, ये डिसइंफेक्टेंट्स में भी यूज, एज अ डिसइंफेक्टेंट कौन यूज़ हो रहा है? क्लोरीन। नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या यूज है? वी ऑल नो हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट की उनमें एज अ फ्यूल यूज हो रहा है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ऑफ अ फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स में अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तब भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस का। सो दीज आर द यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरिन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। द नेक्स्ट इज अ वॉशिंग सोडा, the common name is washing soda and the chemical name or IUPAC name is sodium carbonate decahydrate. Sodium carbonate means Na2CO3, deca means 10 and hydrate means water molecule. It means इसके साथ कितने water molecules हैं? Sodium carbonate के साथ 10 water molecules हैं। Now how washing soda is prepared? It is prepared by the NaCl sodium chloride plus CO2 carbon dioxide gas plus H2O water and plus NH3 अमोनिया। ऑल दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द वॉशिंग सोडा। वेन इट रिएक्ट देन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग पाउडर इज, बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड प्लस NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दैट इज द बाय प्रोडक्ट। नाउ दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वी टेक, क्योंकि हमें क्या करना है, Na2 बनाने हैं, तो वी टेक अ टू मॉलिक्यूल ऑफ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लियर। एंड सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, दिस वन इज द बेकिंग सोडा। व्हेन वी हीट दिस देन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड along with the CO2 and plus water molecule, clear। now the third and the final step is कि अभी इसमें क्या होगा, डेकाहाइड्रेट, कि हमारे फॉर्मूले में क्या है, इसमें 10 water molecule है, then now we add 10 water molecules, तो क्या आएगा, Na2CO3 plus 10 H2O and it gives Na2CO3 sodium carbonate dot 10H2O, that is the sodium carbonate decahydrate or a washing soda. Next is the uses of washing soda, कि इसके uses क्या क्या हैं? Then first sodium carbonate is used in glass, first क्या है कि used in glass, soap and पेपर इंडस्ट्री, मेनली ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जितने भी सोल्स हैं इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स फॉर मेकिंग बोरेक्स, कि बोरेक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन क्या हो सकता है, कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में कैसे यूज हो रहा है, एज अ क्लीनिंग एजेंट। एंड फोर्थ, इट इज यूज फॉर रिमूविंग, यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर। सोडियम कार्बोनेट जो हमारा वॉशिंग सोडा जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, बोरेक्स बनाने में यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज हो रहा है एंड यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। तो दीज आर द सम सॉल्ट्स।
नेक्स्ट सॉल्ट्स जो है हमारे पीओपी ब्लीचिंग पाउडर वो हम, और बेकिंग सोडा वो हम करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में. टिल देन कीप रिवाइजिंग दिस 3 सॉल्ट्स.